हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखाने वाला हूँ। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे ये 2000 फीट का यहाँ पे स्क्वायर फीट का हम मकान एक बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पिलर में कितनी बड़ी मिस्टेक की गई है मैं वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ऐसा काम कराने से अच्छा है कि आप काम कराओ ही मत, बेकार में आप अपने पैसे की वेस्टेज कर रहे हो और पूरी घर को आप नुकसान पहुँचाओगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पिलर के साथ छेड़खानी की गई है और स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या हाल किया गया है। आप यहाँ जितने भी यहाँ पे पिलर आप देख रहे हैं, आप ध्यान देंगे कि पिलर में यहाँ कैसे यहाँ पे जगल मारा गया है, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है आपके बिल्डिंग के लिए। अगर आप आगे मैं आपको और भी पिलर यहाँ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे पिलर को ये खड़ी किया जा रहा है। दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसा पिलर खड़ी करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर पिलर दो ही मत, यहाँ पर पिलर काट के ख़त्म कर दो। ये बिल्कुल गलत तरीका है आपका। इसमें दोस्तों यहाँ बिल्डिंग गिरने के यहाँ पे 90% चांस ये हमारा जगल होता है। इससे आपका बिल्डिंग आने वाले टाइम में बहुत जल्दी क्रैक कर जाएगा, या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर आप जो लोड आप डालना चाहते हो आप पूरी तरीके से लोड नहीं डाल पाओगे और हमेशा आपको इसमें कोई ना कोई शिकायत मिलेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कितनी बड़ी मिस्टेक है। दोस्तों ये आपको जगल तो पहली बात कि पिलर में मारना नहीं है, और मारना भी है तो दोस्तों उसका तरीका क्या है मैं अभी आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लैपिंग जो दिया गया है, जो हम पिलर में लैपिंग करते हैं उसका सही प्रोसेस क्या है, और यहाँ पे जो लैपिंग दिया गया है उस लैपिंग को आप देख सकते हैं कितनी गलत तरीके से लैपिंग दी गई है। और आपको यहाँ एक चीज़ और मैं ये बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हैं ये नीचे से जो हमारा स्टील आया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये 16 mm का स्टील दिया गया है, और यहाँ आप देखिए कितनी ये बुद्धिमानी वाला काम किया गया है कि यहाँ ऊपर आके इसको 20 mm का जो सरिया यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये दोस्तों कहाँ का तरीका है कि नीचे से हम अपना हल्का ये सरिया लेकर आ रहे हैं और ऊपर आके फिर उसको हम भारी कर दे रहे हैं, जबकि नियम यह होना चाहिए कि हमारा नीचे से भारी सरिया आना चाहिए और ऊपर जाके वो हल्का होना चाहिए, ताकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा लोड कम होते जाता है। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको सरिया हल्का करना है। ये बहुत गलत तरीके से यहाँ लैपिंग की गई है। दोस्तों दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप लैपिंग करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो लैपिंग के लिए आप कभी भी ये सीधा सीधा स्टील आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये लैपिंग किया गया है, तो ये तो करीब देखिए यहाँ ठीक दिया गया है लैपिंग। ये 16 mm का स्टील है, आप जानते हैं कि 40D 50D से हम लोग लेते हैं, तो यहाँ करीब हम 2 से 2.5 फीट का लैपिंग दे रहे हैं, तो जो लंबाई है लैपिंग की वो ठीक है। लेकिन दोस्तों तरीका क्या है, सीधा सीधा सरिया यहाँ पर लैप कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जब ऊपर से जब हम इस पर स्लैब की कास्टिंग करेंगे, बीम डालेंगे, तो जो ऊपर का लोड होगा अब वो हमारा डायरेक्ट यहाँ से इस सरिये पे, जो ये नीचे से आप देख रहे हैं यहाँ है स्टील जो आ रहा है, इस सरिये पे नहीं आके ये नीचे यहाँ पे आके यहाँ पे ख़त्म हो गया ये, तो फिर हमारा लोड नीचे कैसे जाएगा, हमारे इस फाउंडेशन पे कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो आपको पहली बात कि सीधा सीधा सरिया में लैपिंग नहीं देना है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और भी वीडियो में आपको उसको लिंक दे दूँगा। आपको यहाँ लैपिंग जो देना है जैकल मार के, जो हमारा ये प्रोसेस होता है हमें ये जैकल मार के यहाँ पर चढ़ाना चाहिए, और जो आप लैपिंग देंगे वो 50D के हिसाब से, आप 16 का सरिया ले इसके ऊपर या 20 का ले या फिर 16 का ले, 50D के हिसाब से लैपिंग देना है। जो इम्पोर्टेंट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला था, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे जैकल ये यहाँ जो मारा गया है, हम लोग आम भाषा में जैकल बोल देते हैं साइड पे, लेकिन होता क्या है जगल बोलना चाहिए। तो होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा मोड़ा गया है, ये दोस्तों ये आपको लोड को ट्रांसफ़र ही नहीं करेगा। अब इतना ज़्यादा आप मोड़ दिए हैं तो जो हमारा लोड आएगा अब ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो के यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए जगल आपको बहुत कम, मिनिमम आपको 10 mm तक मारना चाहिए सरिया में, उससे ज़्यादा आप जगल नहीं मारें यहाँ पे। और दोस्तों अगर जगल मारते हैं तो करना क्या है आपको, अगर मजबूरी हो जाती है आपका अलाइनमेंट पिलर जो है ये अगर नहीं आ पाता है, तो आपको करना क्या है कि आपको कम से कम 1.5 फीट ऊपर एक दूसरा यहाँ सरिया लेना है, और ये छत में जो आप बीम जहाँ से बनाते हैं वहाँ से इस पुराने जो सरिया यहाँ तक आपको उसको प्रॉपर वेल्ड कर देनी चाहिए, या प्रॉपर उसको डबल वाइंडिंग वायर से 4-5 जगह मजबूती से बांध के आप इसमें एक डोवेल वायर जिसे हम कहते हैं वो आप खड़ी कर दें, फिर उसमें आप उस लैपिंग को ऊपर से चढ़ाएँ। यानी कि आपको मोड़ना नहीं है,
कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ जगल नहीं देना, आपको सीधा सरिया उसी अलाइनमेंट में इसमें वेल्ड कर देना है बीम के लेवल से, यानी छत का आप 6 इंच ले ले और बीम आप अगर 1 फीट का लटक दे रहे हैं तो 1.5 फीट नीचे और 1.5 फीट ऊपर, 3 फीट का टुकड़ा लिए वेल्ड करते गए, फिर आपको जो पोजिशन आ रहा है उस पोजिशन में उस सरिया को खड़ा किए और फिर उस पर आप लैपिंग दे देंगे। तो सही तरीका यहाँ जगल मारने का ये होता है दोस्तों, आप अपने बिल्डिंग में कहीं भी ये गलती ना करें। दोस्तों इस गलती से यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, हमारी सारी मजबूती ख़राब हो गई, और मैं तो कहूँगा कि दोस्तों जितनी बड़ी इस हर पिलर में गलती की गई है उससे अच्छा कि आप इस काम को नहीं कराएं, यहाँ सब सरिये को काट दें। आपको करना ये चाहिए था कि बीम से आप सीधा सरिया फिर अपना शुरू से उठाते फिर वहाँ से उस काम को करते। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।